दही साड़ी सेहत लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुंदी है क्योंकि दही विच प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट अते हर तरह दे विटामिन्स हुंदे हन जो साड़े शरीर च हर कमी नू पूरा करदे हन। पर कुछ चीजां इस तरह दियां हुंदियां हन जिन्हां दा दही नाल कदे भी सेवन नहीं करना चाहिदा। जे असीं इन्हां चीजां दा दही नाल सेवन करदे हां तां इस नाल पेट अते चमड़ी दियां समस्यावां हो जांदियां हन। अज असीं तुहानूं दस्सांगे ओह किहड़ियां चीजां हन जिन्हां दा दही नाल कदे भी सेवन नहीं करना चाहिदा। दही अते केला। दही अते केले दा इकट्ठे सेवन कदे नहीं करना चाहिदा। दही अते केले विच बहुत सारे पोषक तत्व हुंदे हन पर इन्हां दा इकट्ठा सेवन करना कफ दी समस्या वध जांदी है। इन्हां दोनां दी तासीर ठंडी हुंदी है इसलिए जिन्हां लोकां नूं कफ दी समस्या रहिंदी है उन्हां नूं कदे भी दही अते केले दा इकट्ठे सेवन नहीं करना चाहिदा। दही मांस अते मच्छी। जेकर तुसीं दही नाल मांस अते मच्छी दा सेवन करदे हो तां इस नाल चमड़ी दीआं समस्यावां हो जांदीआं हन इसलिए कदे भी मांस मच्छी नाल दही दा सेवन बिल्कुल ना करो। दही अते टमाटर। दही अते टमाटर इन्हां दोहां दा इकट्ठे सेवन नहीं करना चाहिदा पर बहुत सारे लोग दही विच टमाटर मिला के रायता बना के खांदे हन पर इह साडे पेट लई ठीक नहीं हुंदा। दही अते उड़द दी दाल। दही नाल कदे भी उड़द दी दाल दा सेवन नहीं करना चाहिदा। जेकर तुसीं इन्हां दोनां दा इकट्ठा सेवन करदे हो तां तुहानूं ब्लड प्रेशर दी समस्या हो सकदी है इसलिए हुण लोकां नूं कदे भी दही अते उड़द दी दाल दा इकट्ठा सेवन नहीं करना चाहिदा। इसलिए उन्हां लोकां नूं कदे भी दही अते उड़द दी दाल दा इकट्ठा सेवन नहीं करना चाहिदा जिन्हां दा ब्लड प्रेशर हाई रहिंदा होवे। दही अते अंब। दही नाल कदे भी अंब नहीं खाना चाहिदा। तुसीं जदों इन्हां दोहां दा इकट्ठा सेवन करदे हो तां इस नाल टॉन्सिल दी समस्या हो सकदी है क्योंकि इन्हां दोनां दी तासीर इक दूजे दे उल्ट हुंदी है इसलिए इन्हां दोनां दा इकट्ठा सेवन करन नाल पेट दी बहुत सारियां समस्यावां हो जांदियां हन। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी। तंत्र मंत्र शक्तियां दे बेताज बादशाह मूसा खान काले इलम दा चमत्कार सिर्फ 11 मिंटां विच वेखो। समस्या पावे किड्डी भी होवे हुण तुहानू नहीं घबराउण दी लोड़। जिवें कारोबार विच काटा, पति पत्नी विच अणबण, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, नशा छुडाउणा, बच्चियां दा कहने तो बाहर होना, कोर्ट कचहरी विच जित पाउणा, घर या व्यापार विच बरकत ना होना, नौकरी या तरक्की विच रुकावट, विदेश यात्रा शादी व्याह विच रुकावट, जादू टूना कीता कराया, खून दे छिट्टे आउणा, घर विच तरह तरह दीआं आवाज़ां आउणा आदि ए टू जेड समस्यावां दा समाधान सिर्फ कुछ मिंटां विच कीता जांदा है। अपने आप नूं पढ़े लिखे दसन वाले ढोंगी बाबिआं तों बचो। काले रूहानी इलम दा तोड़ सिर्फ साडे कोल। हुणे कॉल करो 98725 44144।